D4 important vocab that will use or enhance vocab power in reading. So first one, evict. Evict to force somebody to leave or house or land which he or she is renting. कोई बंदा किसी घर में रह रहा है रेंट पर, उसको फोर्स करना कि इसको छोड़ दे, तो उसको हम अविक्त बोलेंगे. नेटिव, कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू आर बोर्न और वेयर यू हैव ऑलवेज लिव्ड. वो वाला प्लेस जहाँ पर आप जन्मे हो और या जहाँ पर आप या फिर रह रहे हो, तो उसको हम नेटिव बोलेंगे. यू आर नेटिव ऑफ दैट प्लेस. प्लंच, टू जम्प और ड्रॉप और फॉल सडनली एंड विद फोर्स. किसी मतलब कि जंप करना वाटर में या किसी भी चीज़ में, ओके, और पूरे जोर के साथ करना, उसको हम बोलते हैं प्लंच. बेयरली, समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू ओनली जस्ट ऑलमोस्ट नॉट, कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल से होना, बहुत मुश्किल होना उस चीज़ को करना. एमनेट, टू प्रोड्यूस और शो समथिंग, किस चीज़ को बनाना या फिर शो करना. कंजक्चर, टू गेस अबाउट समथिंग विदाउट रियल प्रूफ, किसी के बारे में अंदाजा. नेक्स्ट, वल्नरेबल, वीक और ईजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली, जिसको हम आसानी से हर्ट कर सकते हैं चाहे फिजिकली और मेंटली, उसको हम वल्नरेबल बोलेंगे. एक्सट्रीम, द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होना. पार्टेक, टू ईट और ड्रिंक समथिंग. रिचुअल, कोई चीज़ एन एक्शन सेरेमनी और प्रोसेस विच इज़ ऑलवेज टर्म द सेम डे. कोई भी चीज़, कोई भी रस्म रिवाज जो उसी दिन हो सेम डे पर, जैसे कोई भी त्यौहार कुछ भी जो हो सब लोग एक समय पर करते हो, उसको हम रिचुअल बोलते हैं. इनक्यूबेट, टू कीप एन एग एट द राइट टेम्परेचर सो दैट इट कैन डिवेल्प एंड प्रोड्यूस अ बर्ड. किसी एग को टेम्परेचर देना एक सही उसके डिवेल्प होने के लिए, कि उसको हम इन क्यूबेट बोलते हैं. बेयर, जो चीज़ कवर्ड ना हो उसको हम बेयर बोलते हैं, बेयर थिंग. प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट और फेमस, इसके बारे में पता होगा आपको. हैच, टू कम आउट ऑफ अ एग, ऑफ एन एग, किसी एग के शेल में से कोई चीज़ बाहर आनी, तो उसको हम हैच बोलते हैं. एक्सिक्यूट, टू किल समबडी एज एन ऑफिशियल पनिशमेंट, टू पुट प्लान इन टू एन एक्शन, किसी प्लान को एक्शन में लाना या फिर किसी को मारना ऑफिशियली, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट. फ्लेजिंग, अ यंग बर्ड दैट हैज़ लर्न टू फ्लाई. जिस यंग बर्ड ने, छोटे से बर्ड ने ये सीखा हो, अभी सीखा ही हो उड़ना, उसको हम फ्लेजिंग बोलते हैं. स्लैश, टू मेक और ट्राई टू मेक अ लॉन्ग कट इन टू समथिंग विद द वायलेंट मूवमेंट, किसी जोरदार तरीके से हमने किसी चीज़ में कट लगाना या फिर किसी चीज़ की वैल्यू को डाउन करना, कम करना, उसको हम स्लैश बोलते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. ये फीवर आइलेट्स सीडिंग की सेकंड टेस्ट की मेन जो वो कैप थी वो थी. अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.